नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करण जी के ऐप पर आपका स्वागत है और आज हम करण जी के इस वीडियो में अगस्त 2020 की महत्वपूर्ण करण जी के करेंगे और इसके अंदर हम पांच टॉपिक करेंगे। ये जो पांच टॉपिक है इसके ऊपर भारत और पूरे विश्व की नजर रही थी, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई थी, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है भाई। इसके अंदर से आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो शुरुआत करते हैं और हमारी इस वीडियो का जो पहला टॉपिक आज का स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। तो 2016 से लेकर हम कंटिन्यू भारत सरकार है वो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है। इसके तहत सुना जाता है भारत का कौन सा शहर सफाई के मामले में पूरे नंबर पे रहा, पहले नंबर पे रहा, कौन सा दूसरा रहा, किस शहर में अच्छी सफाई का कार्य चल रहा है। तो रिपोर्ट जारी हुई है अगस्त 2020 में। तो इसके तहत सबसे पहले तो इसकी जो मेन मेन बात है वो पढ़ लो भाई। अब की बार इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया, अब की बार कौन सा संस्करण जारी हुआ भाई, पांचवा, पांचवे नंबर का ये संस्करण था। 2016 में ये शुरू किया गया था भाई। पांचवे संस्करण में भारत के कुल कितने शहर शामिल किए गए थे, पांचवे संस्करण में भारत के कुल कितने शहर शामिल किए गए थे। तो 4200 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था भाई। 4242 थे कुल कितने शहर शामिल किए गए थे, 4200 से ज्यादा भाई। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर कुल कितने गंगा टाउन शामिल किए गए, मतलब गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, तो कितने शहरों को शामिल किया गया, 92 भाई, कितने भाई, 92। इसके अलावा भाई पूरे भारत की कितनी छावनी या कैंट को शामिल किया गया, 62 भाई, कितनी छावनी या कैंट को शामिल किया गया, 62। लास्ट पॉइंट रहता है भाई कितने दिन में ये कार्य पूरा किया गया, तो कितने दिन में पूरा किया गया, 28 दिन में भाई, कितने दिन में, 28 दिन में। कौन सा संस्करण हुआ, पांचवा। कुल कितने शहर भारत के शामिल किए गए, 4200 से ज्यादा। गंगा टाउन कितने थे, 92। छावनी कितनी थी, 62। और ये जो कार्य है ये कितने दिन में पूरा किया गया, 28 दिन में, कितने दिन में पूरा किया गया भाई, 28 दिन में इस कार्य को पूरा किया गया। उसके बाद देखो जो कुल शहर थे 4200, इन 4200 शहरों में से कौन सा शहर पहले नंबर पे रहा, कौन सा शहर दूसरे नंबर पर, और कौन सा शहर तीसरे नंबर पे रहा। तो पहले नंबर पे कौन सा शहर रहा भाई, इंदौर। आपको पता ही होगा हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यह लगातार चौथी बार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया भाई, इंदौर। कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा शहर है भाई, इंदौर। दूसरा सूरत, दूसरा कौन सा भाई, सूरत। गुजरात का एक शहर है भाई जहाँ पे हीरो का व्यापार, हीरो की तराशी का कार्य किया जाता है भाई। और तीसरा है नवी मुंबई भाई। तो ये तीन शहर है जिनका क्रम है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा, इंदौर, दूसरा कौन सा, सूरत, और तीसरा कौन सा, नई मुंबई भाई। 2017, 2018, 2019 और 2020, चार सालों में लगातार टॉप पे कौन सा है, इंदौर। और जब शुरुआत हुई थी इस सर्वेक्षण की 2016 में, तो 2016 में पहली बार जब शुरुआत की गई थी तो पहले नंबर पे कौन सा शहर रहा था, मैसूर, एक बार रहा था ये बस 2016 में। उसके बाद लगातार चार बार कौन सा रहा, इंदौर भाई, लगातार चार बार कौन सा रहा, इंदौर। ये तो थे तीन शहर भाई। उसके बाद है गंगा टाउन। अगर ये पूछ रहे गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, कुल 92 शहर शामिल किए गए थे, इसके अंदर जो पहला स्थान है वो किसे मिला, तो पहला स्थान किसे मिला भाई, वाराणसी। पहला स्थान किसे मिला, वाराणसी को। बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, भारत की काशी बोला जाता है वाराणसी। और वाराणसी से ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सांसद है भाई। श्री नरेंद्र मोदी जी जो सांसद हैं वो कहाँ से है भाई, वाराणसी से। वाराणसी किस राज्य का शहर है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद अभी छावनी, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी चुनी गई भाई, जालंधर कैंट।
जो जालंधर कैंट है पंजाब में, यह भारत की सबसे स्वच्छ छावनी चुनी गई भाई, सबसे स्वच्छ छावनी चुनी गई। इसके अलावा दो पॉइंट याद और करना आप, अगर ये पूछ ले 100 से ज्यादा शहरों के मामले में, 100 से ज्यादा शहरों के आधार पर सफाई के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा है। मान लो किसी राज्य में 100 से ज्यादा शहर चुने गए थे, उसके आधार पर सफाई के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा भाई, छत्तीसगढ़। 100 से ज्यादा शहर यहाँ के स्वच्छ चुने गए हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा रहा, छत्तीसगढ़। और 100 से कम शहरों में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा भाई, झारखंड है। 100 से ज्यादा पूछ ले तो छत्तीसगढ़ और 100 से कम पूछ ले तो झारखंड भाई। ये था हमारा पहला टॉपिक भाई, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है भाई इंदौर। लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया, इंदौर। दूसरा सूरत, तीसरा नई मुंबई। गंगा टाउन कौन सा, वाराणसी। यहाँ से सांसद कौन, नरेंद्र मोदी जी। सबसे बेस्ट छावनी कौन सी, जालंधर भाई। 100 से ज्यादा शहरों में कौन सा, छत्तीसगढ़। 100 से कम शहरों में कौन सा राज्य है, झारखंड भाई। और उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, करनाल। उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, करनाल। हरियाणा की, जिसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है करनाल को भाई, और हरियाणा की धानमंडी कौन सी है, करनाल भाई। तो करनाल को उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया भाई। इसके अलावा जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पूरे भारत में 8वां स्थान प्राप्त हुआ भाई। चंडीगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 8वां स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद भाई टॉपिक नंबर है दो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई आज की, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा भाई। जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है भाई अब्राहिम एकार्ड समझौता। अब्राहिम एकार्ड समझौता भाई बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, और ये समझौता होने के बाद मुस्लिम देशों ने बहुत ज्यादा नाराजगी भी दिखाई थी भाई। तो सबसे पहले देखो ये जो समझौता है जिसका नाम है अब्राहिम एकार्ड समझौता, किन दो देशों के मध्य हुआ भाई। तो एक देश तो है जिसका नाम है इजराइल, यहूदी देश है इजराइल भाई, और दूसरा एक मुस्लिम कंट्री है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा कौन सा भाई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भाई। तो जो यहूदी देश है इजराइल और अरब कंट्री के जितने भी मुसलमान देश हैं, इन सब के बीच में विवाद चलता रहता है भाई, हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती है। लेकिन हाल ही में 13 अगस्त 2020 को इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक, इनके बीच में समझौता हो गया भाई, दोनों के बीच में, इनके बीच में शांति स्थापित हो गई। और इसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम देश हैं वो यूएई के खिलाफ भी भाई, वो खिलाफ हो गए हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है भाई। तो तीन पॉइंट तो महत्वपूर्ण भाई, कब हुआ ये, 13 अगस्त 2020 को। समझौते का नाम क्या है, अब्राहिम एकार्ड समझौता। अब्राहिम एकार्ड समझौता किस किस के बीच में हुआ, इजराइल और यूएई, इजराइल और यूएई भाई। और ये तीसरा मुस्लिम देश बना है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। जो पहला मुस्लिम देश था वो कौन सा बना था, मिस्र। पहला कौन सा था, मिस्र, 1979 में समझौता आया था भाई। दूसरा बना था जॉर्डन। दूसरा कौन सा, जॉर्डन, 1994 में। और तीसरा कौन सा बना है, यूएई, 2020 में भाई, यूएई 2020 में। 1948 में इसराइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, और तब से लेकर इसराइल और अन्य जो अरब देश है, मुसलमान देश, इनके बीच में हमेशा युद्ध होता रहता भाई। 4-5 बार इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ था, लेकिन एक युद्ध हुआ था 1967 में, काफी महत्वपूर्ण है भाई, 1967 में, और इसराइल और 8 अन्य मुस्लिम देशों के बीच में युद्ध हुआ था, और इसराइल ने उनको 6 दिन के अंदर ही धूल चटा दी थी भाई। काफी चर्चित युद्ध हुआ था वो, इसराइल और अन्य 8 मुस्लिम देशों के बीच में। तो हमेशा इनके युद्ध की संभावना बनी रहती है, और अब ये तीसरा मुस्लिम देश बन गया भाई जिसने शांति का ऐतिहासिक समझौता किया है, किसके साथ है, इसराइल के साथ भाई। पहला बना था मिस्र, दूसरा जॉर्डन, और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात भाई, 2020 में किया भाई। ये भी पूछ सकते हैं, पहला मुस्लिम देश भी पूछ सकते हैं भाई, और समझौते का क्या नाम था ये पूछ सकते हैं। अब्राहिम एकार्ड समझौता कब हुआ,
13 अगस्त 2020 को, और 100% याशय कुछ सुनाने की पूरी संभावना है भाई। किन दो देशों के मध्य हुआ भाई? इजराइल और यूएई। जो इजराइल है यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन भाई, बेंजामिन नेतन्याहू, आपने सुना होगा, यहाँ के मुखिया है भाई इजराइल के। और जो इजराइल है, इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है भाई, क्या नाम है? मोसाद। यहाँ की खुफिया एजेंसी है, इसका नाम है मोसाद भाई। और यहाँ की जो मुद्रा है इजराइल की, क्या नाम है? न्यू स्केल। इजराइल की जो मुद्रा, इसका क्या नाम है भाई? न्यू स्केल। और संसद का क्या नाम है? निशेट। संसद का क्या नाम है भाई? निशेट, ये भी याद कर लेना। यूएई है, यहाँ की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। इजराइल की संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई? दिरहम। मुद्रा कौन सी है? दिरहम। तो तीन पॉइंट तो आपको याद ही करना है। समझौता कब हुआ? 13 अगस्त 2020 को, किन दो देशों के मध्य? इजराइल और यूएई। और समझौते का नाम क्या था भाई? अब्राहिम एकार्ड समझौता भाई। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था भाई। उसके बाद है नंबर तीन भाई, और गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं, जो नंबर तीन टॉपिक है यहां से 100% क्वेश्चन आएगा भाई। टॉपिक का नाम है भाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। तो 2 अगस्त 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे भाई, और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। तो इसको टुकड़ों में बांट लेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को दिए जाते हैं, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भाई, ध्यानचंद की याद में। इसी अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस दिए जाते हैं भाई, और पहली बार ये वर्चुअल दिए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण है वर्चुअल अब के बारे ये दिए जा रहे हैं भाई। तो पहला पॉइंट है इसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भाई। पहला पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भाई। तो अब की बार ये जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है ये 4 साल में दिए जाते हैं भाई, और अब की बार ये 5 लोगों को एक साथ दिया गया है, और पहली बार हुआ भाई कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नंबर एक है जिसके अंदर रोहित शर्मा, नंबर एक है रोहित शर्मा। किस खेल से संबंधित है भाई? क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा है ये भारत के चौथे क्रिकेट के खिलाड़ी बने हैं भाई जिनको ये पुरस्कार दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों का भाई। इससे पहले किस किस को मिला था? सचिन, धोनी, और तीसरा था भाई कोहली, और अब चौथा कौन सा बन गया आपका? रोहित शर्मा भाई। नंबर दो है भाई रानी रामपाल, नंबर दो है रानी रामपाल भाई। किस खेल से संबंधित है? हॉकी भाई, हरियाणा की खिलाड़ी है रानी रामपाल। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। तीसरा है भाई विनेश फोगाट, तीसरा है विनेश फोगाट भाई, इनका संबंध भी हरियाणा से है, और किस खेल से संबंधित है भाई? कुश्ती से, विनेश फोगाट भाई। नंबर चार है मानिक बत्रा भाई, इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। मानिक बत्रा, इनका संबंध किस खेल से है भाई? टेबल टेनिस से। चौथा भाई ये पांचवा जो ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है हाई जंप, जिनका नाम है मरियन थंगावेलू, मरियप्पन थंगावेलू भाई, मरियप्पन थंगावेलू, ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है हाई जंप भाई। तो अब की बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मानिक बत्रा और मरियप्पन थंगावेलू भाई। रोहित शर्मा किस खेल से? क्रिकेट से। रानी रामपाल हॉकी से, विनेश फोगाट कुश्ती से, मानिक बत्रा टेटे से, मरियप्पन थंगावेलू हाई जंपर से। इसमें एक पॉइंट अभी नाम है मानिक बत्रा, आप याद रखना, भारतीय खेल मंत्रालय ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भाई। तो इसके तहत ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना था, और जो पहला खिलाड़ी चुना गया था टॉप्स योजना के तहत वो कौन थी भाई? मानिक बत्रा। किस खेल से संबंधित है ये? टेबल टेनिस से। किस खेल से संबंधित है भाई? टेबल टेनिस से भाई। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी
1991-92 में भाई शुरुआत कब हुई इसकी, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किसे दिया गया, विश्वनाथ आनंद को भी, जिनका संबंध किस खेल से है, शतरंज से। जिनका संबंध किस खेल से है, शतरंज से, जिसका संबंध अभी विश्वनाथ आनंद भाई। उसके अलावा देखो भाई इसके अंदर जो राशि है, पहले राशि कितनी दी जाती थी, 7.5 लाख भाई, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 25 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख भाई। कितनी, 25 लाख। अगला पॉइंट है भाई इसी का, अर्जुन पुरस्कार भाई। अगला पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भाई, यह भी एक भारत का प्रसिद्ध पुरस्कार है भाई, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। तो अब की बार 2020 में जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई, 27 खिलाड़ियों को। पहले चर्चा चल रही थी कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो 29 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दो खिलाड़ियों का नाम है वो लिस्ट से हटा दिया और कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई, 27 खिलाड़ियों को अब की बार ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किन किन दो खिलाड़ियों का नाम हटा गया अभी वो पूछ सकते हैं। एक का तो नाम है मीराबाई चन्नू, मीराबाई चन्नू बढ़ोतरी या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, डोपिंग का भी इनके ऊपर आरोप लगा था और शायद इसी वजह से इनका नाम है वो लिस्ट से हटा दिया गया। और दूसरी खिलाड़ी है साक्षी मलिक, दूसरी खिलाड़ी है भाई साक्षी मलिक, ओलंपियन ये पदक विजेता है साक्षी मलिक, हरियाणा के मोगरा गांव की रहने वाली है मैम के पास साक्षी मलिक। और अभी हरियाणा में जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था साक्षी मलिक किस कैटेगरी में हिस्सा लेती है भाई, 58 किलो में भाई। तो इन दो खिलाड़ियों का नाम है वो N10 के ऊपर लिस्ट से हटा दिया भाई, मीराबाई चन्नू और साक्षी मलिक का। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया भाई। और इसकी राशि कितनी है भाई, इसकी जो राशि अर्जुन पुरस्कार की वो भी बढ़ाकर 15 लाख कर दी भाई। अब की बार अर्जुन पुरस्कार की राशि है वो कितनी कर दी, 15 लाख है। तो ये इतने खिलाड़ियों का नाम तो याद कर भी नहीं सकते भाई 27 खिलाड़ियों का, तो ये याद कर लेना कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, 27 खिलाड़ियों को भाई। उसके बाद है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई, ये जो कोच होते हैं जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई। और अब की बार कुल कितने लोगों को दिया गया, कितने कोचों को दिया गया भाई, 13 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको दो भागों में बांट लो, 8 तो जो पुरस्कार है वो दिए गए लाइफ टाइम भाई, और जो 5 है वो दिए गए नियमित श्रेणी में। 8 पुरस्कार तो दिए गए लाइफ टाइम श्रेणी में और 5 पुरस्कार दिए गए नियमित श्रेणी में, कुल कितने पुरस्कार दिए गए, 13 भाई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, जो नियमित श्रेणी में दिया गया है जसपाल राणा भाई, ये शूटिंग के कोच है भाई जसपाल राणा। पिछली बार भी इनका नाम आया था मिला नहीं, लेकिन अब की बार इनको नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया भाई जसपाल राणा को भाई। इसके अलावा याद करने हैं दो और, याद कर लेना, एक याद कर लेना ओपी दैया या ओम प्रकाश दैया भाई, ये कुश्ती के कोच हैं और इनको लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। ये सिर्फ दो कोच याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है जसपाल राणा और ओम प्रकाश दैया कुश्ती में भाई, द्रोणाचार्य अवार्ड भाई। इसकी भी जो प्राइज राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 से 10 लाख। अर्जुन की कितनी करी, 15 लाख है, द्रोणाचार्य की कितनी कर दी, 10 लाख है, और राजीव गांधी की कितनी कर दी भाई, 25 लाख। राजीव गांधी की कितनी कर दी, 25 लाख भाई। तीसरा भाई, चौथा पॉइंट है ध्यानचंद पुरस्कार भाई, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद का तो आपने नाम सुना होगा भाई, हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ध्यानचंद, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार भाई। और अब की बार ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 15 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 15 खिलाड़ियों को दिया गया, और इनमें से एक नाम है काफी चर्चा में रहा था और वो नाम आप याद कर लेना, जिसका नाम है सचिन नाग। क्या नाम है भाई, सचिन नाग, इसको आप याद कर लेना भाई। इनका जो संबंध है किस खेल से है,
तैराकी से। इनका संबंध किस खेल से है? तैराकी से। सचिन नागे, क्योंकि इनको ये पुरस्कार है, इनका भाई देहांत हो गया था तो मरने के बाद इसको ये पुरस्कार दिया गया ध्यानचंद प्राइज। सचिन नाग, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सचिन नाग का संबंध किस खेल से है भाई? तैराकी से। किस खेल से है? तैराकी से। इसकी भी जो राशि है ध्यानचंद पुरस्कार की, ये कितनी कर दी भाई? 15 लाख। कितनी कर दी? 15 लाख भाई। अगला पॉइंट है भाई, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी भाई, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी है, ये दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी को, और अब की बार किसे मिली है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी को भाई। अब की बार किसे मिली है? पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है भाई। क्यों दी गई है? क्योंकि अभी 2020 में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे तो उनके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया था भाई, इसी आधार पे उसको मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी प्रदान की गई है भाई। ये था भाई अगला पॉइंट, राष्ट्रीय खेल है पुरस्कार भाई। बात खेल रत्न कितने? राजीव गांधी खेल रत्न कितने भाई? 5। अर्जुन पुरस्कार कितने? 27। द्रोणाचार्य कितने? 13। ध्यानचंद कितने? 15 भाई। और मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी किसे मिली? पंजाब यूनिवर्सिटी को। पंजाब यूनिवर्सिटी को इनकी जो प्राइज मनी है वो याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यानचंद की कितनी होगी? 10 लाख है, सॉरी ध्यानचंद की 15 लाख है, द्रोणाचार्य की और अर्जुन की 15-15 लाख है, और राजीव गांधी खेल रत्न की कितनी होगी भाई? 25 लाख। कितनी होगी? 25 लाख भाई। अगला जो पॉइंट अभी हमारा वो भाई प्रणव मुखर्जी भाई, सुना होगा आपने प्रणव मुखर्जी भाई, भारत के सफल और अच्छे राजनीतिक माना जाते हैं प्रणव मुखर्जी भाई, और जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भाई, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भाई। तो इनका 31 अगस्त 2020 को देहांत हो गया भाई, काफी चर्चित चेहरा था, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो सबसे पहले पढ़ना हमने जो प्रणव मुखर्जी है इनका जन्म कब हुआ था भाई? 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था भाई, और मृत्यु कब हुई थी? 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म कब हुआ? 11 दिसंबर 1935 में। मृत्यु कब हुई? 31 अगस्त 2020 को भाई। मृत्यु कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में, और जन्म कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल का एक जिला वीरभूमि, वहीं पर इनका जन्म हुआ था भाई, प्रणव मुखर्जी का भाई। तो यहाँ से मेन पॉइंट पढ़ेंगे भाई। एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, प्रणव मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे भाई? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। प्रणव मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। 2012 से लेकर 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे भाई, 13वें नंबर के भाई। और इससे पहले इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला था, लेकिन एंड टाइम के ऊपर इनका नाम काट दिया जाता था। एक बार बना दिया पीवी नरसिंह राव को, और दूसरी बार बना दिया मनमोहन सिंह को भाई। तो राष्ट्रपति बनाया गया इनको बाद में 2012 से लेकर 2017 तक भाई। एक अभी जो सबसे अच्छा पॉइंट है, भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न है, उनसे भी इनको सम्मानित किया गया था प्रणव मुखर्जी जी को 2019 में। 3 लोगों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भारत रत्न का मिला 2019 में भाई। और इसके अलावा ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और 2 बार ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और 1 बार जो अभी नीति आयोग चल रहा है, इससे पहले योजना आयोग, जो योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 1991 से लेकर 1996 तक। 1991 से लेकर 1996 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई। ये थे मेन पॉइंट, राष्ट्रपति कौन से नंबर के रहे? 13वें नंबर पे 2012 से लेकर 2017 तक। कौन कौन से कैबिनेट मंत्री रहे? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भाई। भारत रत्न कब मिला? 2019 में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब रहे? 1991 से लेकर 1996 तक। 1991 से लेकर 1996 तक भाई। और इनको एक पुरस्कार भी मिला था पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो कब मिला था? 2008 में। पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? 2008 में भाई।
एक पॉइंट और इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पक्का सकता भी। इनकी एक पुस्तक आई थी अभी और वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। वैसे तो प्रणब मुखर्जी की 10 से 12 पुस्तक आई हुई है, लेकिन आप एक पुस्तक याद कर लेना जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द कोलिशन, द कोलिएशन ईयर्स, द कोलिएशन ईयर्स, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई और बहुत ज्यादा चर्चा मेरी थी। पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। पुस्तक का नाम है द कोलिएशन ईयर्स भाई, किसकी है भाई, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी भाई। अगला पॉइंट है भाई और ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, आपने काफी सुना होगा, पहले भी पढ़ लिया होगा, राफेल विमान भाई, राफेल विमान भारत के इतिहास में चर्चा में रहने वाला सबसे बड़ा सौदा है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इससे पहले बोफोर्स घोटाला रहा था, उसके बाद में कौन सा रहा, ये राफेल विमान भाई। क्योंकि इससे पहले भी भारत में काफी विदेशों से विमान आए थे, मिराज भी आया था, MiG-21 भी आया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा हल्ला हुआ था और मीडिया ने जब आया था तो अखबार हो चाहे टीवी हो, हर जगह पे राफेल ही राफेल था, इतना ज्यादा इसका बाउंडर बना दिया था राफेल विमान का भाई। तो इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो देखो जो राफेल विमान है ये समझौता हुआ था किन दो देशों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में भाई, भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था राफेल विमान का। आधुनिक श्रेणी का एक काफी अच्छा विमान लड़का हुआ और ये भारत ने फ्रांस से खरीदा है भाई। और ये जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था, 2016 में, 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत भारत कुल कितने विमान खरीदेगा भाई, 36, कितने विमान खरीदेगा, 36। समझौता कब हुआ, 2016 में भाई। और जो समझौता है इसकी लागत कितनी है भाई, 59,000 करोड़, इसकी लागत कितनी है, 59,000 करोड़ की इस समझौते की लागत है भाई। ये दो खेपों में आ गया, पहले खेप में 5 लड़ाकू विमान है वो आ चुके हैं भाई। और जो ये राफेल विमान है इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, दसॉल्ट, दसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी है और राफेल विमान, राफेल नामक विमान का जो निर्माण है वो करती है भाई। समझौता कब हुआ, 2016 में, कुल कितने विमानों का, 36 का, कितने रुपए का समझौता है, 59,000 करोड़ का भाई। और जो विमान है इसका निर्माण कौन सी कंपनी करती है, दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन भाई। देखो और जो इन विमानों की जो पहली खेप है, पहली खेप है ये भारत में कब आई भाई, 29 जुलाई 2020 को, पहली खेप है ये कब आई थी, 29 जुलाई 2020 को आई थी भाई। और इन विमानों को रखने के लिए, इन विमानों को रखने के लिए दो एयरबेस बनाया गया भारत में, एक तो कहाँ पे बनाया गया, हरियाणा में, कहाँ पे भाई, अम्बाला, एक एयरबेस तो बनाया गया हरियाणा के अम्बाला में और दूसरा है पश्चिम बंगाल का एक शहर है आसिमारा, आसिमाऊ या आसिमारा भाई, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। दूसरा बेस कहाँ पे बनाया गया भाई, पश्चिम बंगाल में, एक तो खड़े होंगे कहाँ पे, अम्बाला में, और दूसरे कहाँ पे भाई, आसिमारा, और ये कहाँ पे है भाई, पश्चिम बंगाल में। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, जो राफेल विमान है 36 है इनका जो नामकरण है भारत में वो किस आधार पे किया गया, इनका नामकरण भारत में किस आधार पे किया गया भाई। तो जो 6 विमान है, 6 विमानों का जो नामकरण है ये किया गया है आरबी भाई, RB-6, राकेश भदौरिया जो भारतीय वायुसेना के चीफ है, 6 विमानों का नामकरण उसके नाम पे किया गया है RB-6 भाई। और जो बाकी बच गए 30 का नामकरण किसके नाम पे किया गया है, BS भाई, BS धनोआ जो इनसे पहले वायुसेना के चीफ थे उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया भाई। 6 का नामकरण किसके नाम पर, आरबी के नाम पे, और जो बाकी 30 है उनका किसके नाम पर, BS के नाम पर भाई। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक भाई आज का, अगस्त 2020 के हमने करंट चेक कराई आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, जो राफेल विमान है, राफेल विमान इसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, राफेल विमान है इसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। और एक सूचना और आपके लिए, आज से डेली आपको शाम को 8 से 9 बजे, रात को 8 से 9 बजे करंट जीके की और ट्रेडिशनल जीके की आपकी लाइव क्लास होगी दिल्ली पुलिस के लिए, 1 घंटे की डेली आपकी लाइव क्लास होगी भाई। तो उस समय भी आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।